जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले गोवा टूर की। गोवा इंडिया का बहुत ही खूबसूरत और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो अपने बीच और अपनी नाइट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और आज के इस वीडियो में हम आपको गोवा टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले, जैसे गोवा कब जाए, कैसे जाए, गोवा में कितने दिन रुके, गोवा में कहां कहां पर घूमने जाए, गोवा में होटल कहां पर बुक करें, साथ ही गोवा घूमने में आपका कुल खर्चा कितना होगा, ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो गोवा टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि गोवा कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों अगर आप गोवा ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन के लिए आ सकते हैं, और फिर मडगांव रेलवे स्टेशन से पंजीम के लिए आ सकते हैं। और मडगांव से पंजीम की दूरी लगभग 36 किलोमीटर पड़ जाती है, और मडगांव से पंजीम तक जाने का बस 50 रुपए तक चार्ज कर सकती है, वही टैक्सी 1500 से 2000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। वही दोस्तों अगर आप फ्लाइट से गोवा आना चाहते हैं तो आप गोवा के वास्को डिगामा एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, और इसके बाद वास्को डिगामा एयरपोर्ट से आप पंजीम के लिए आ सकते हैं, और वास्को डिगामा एयरपोर्ट से पंजीम की दूरी लगभग 30 किलोमीटर पड़ जाती है। वही दोस्तों अगर आप बस से गोवा आना चाहते हैं तो आपको हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली जैसी सिटी से गोवा के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा भी मिल जाएगी, तो आप बाई बस भी गोवा आ सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर गोवा आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों हमने आपको लगभग गोवा आने के सभी ऑप्शन बता दिए, आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए गोवा आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब गोवा में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो दोस्तों गोवा में आप दो जगह पर होटल बुक कर सकते हैं। पहला कि आप पंजीम में होटल बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको होटल की स्टार्टिंग प्राइस 800 से 1000 रुपए में मिल जाएगी। और अगर आप पंजीम में महंगी होटल बुक करना चाहते हैं तो पंजीम में 10 से 12000 रुपए की भी होटल मौजूद है। इसके बाद दोस्तों गोवा में होटल बुक करने की दूसरी जगह है कि आप गोवा में बीच के किनारे होटल बुक कर सकते हैं। अगर आप गोवा में बीच के किनारे होटल बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको होटल की स्टार्टिंग प्राइस 1500 से 2000 रुपए में मिलेगी। तो आपका जैसा भी बजट है उसके हिसाब से आप पंजीम में या फिर गोवा के बीच पर होटल बुक कर सकते हैं। बाकी अगर आप गोवा में रिसोर्ट में रुकना चाहते हैं तो गोवा में कई सारे रिसोर्ट बने हुए हैं, जिसमें रुकने के लिए आपको एक दिन के 2 से 3 हजार रुपए देने होंगे। तो आपका जैसा भी बजट है आप उसके हिसाब से गोवा में रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों अब होटल बुकिंग करने के बाद अब बात करते हैं कि गोवा में आप कहां कहां पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों गोवा में आप घूमने जा सकते हैं बागा बीच के लिए। दोस्तों बागा बीच गोवा का बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर बीच है, और गोवा में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट बागा बीच पर घूमने के लिए जरूर आते हैं, और इसीलिए गोवा में सबसे ज्यादा क्राउड भी बागा बीच पर ही देखने को मिलता है। बाकी आप बागा बीच पर कई सारी वाटर एक्टिविटी वगैरह को भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्ज होते हैं। साथ ही दोस्तों गोवा में आप घूमने जा सकते हैं कलंगट बीच के लिए। दोस्तों ये बीच भी गोवा का काफी शानदार और फेमस बीच है। इस बीच पर आपको बागा बीच के मुकाबले क्राउड थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी घूमने के लिए खूब सारे टूरिस्ट आते हैं। बाकी ये बीच काफी नीट एंड क्लीन बीच है, और आप इस बीच पर कई सारी वाटर एक्टिविटी वगैरह को इंजॉय कर सकते हैं और अपना खूबसूरत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोवा में आप जा सकते हैं अगुआडा फोर्ट के लिए। दोस्तों ये प्लेस भी काफी खूबसूरत प्लेस है, और इस प्लेस पर कई सारी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है, और इस फोर्ट से आपको गोवा के बीच का और खुले समुद्र का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर बैठकर अपना शानदार टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अगर आप गोवा आ रहे तो आप अपनी गोवा की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को जरूर ऐड करें। साथ ही दोस्तों गोवा में आप घूमने जा सकते हैं चपोरा फोर्ट के लिए। दोस्तों चपोरा फोर्ट भी गोवा की काफी फेमस डेस्टिनेशन है, जहाँ से आपको समुद्र का और शाम के टाइम में सनसेट का काफी शानदार व्यू देखने को मिलेगा, जिसे आप खूब इंजॉय करेंगे। तो आप शाम के टाइम में चपोरा फोर्ट पर जा सकते हैं और सनसेट का मजा लेते हुए शानदार टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोवा में आप जा सकते हैं कंसेप्शन चर्च के लिए। दोस्तों इस चर्च पर कई सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है, तो आप यहां पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं, और ये चर्च आपको पूरा व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं, ये चर्च भी काफी शानदार और खूबसूरत चर्च है।
साथ ही दोस्तों गोवा में आप घूमने जा सकते हैं एक्वेरियम बीच के लिए। ये बीच गोवा के बाकी बीच के मुकाबले ज्यादा क्लीन और साफ सुथरा है और इस बीच पर भी आप बाकी बीच की तरह कई सारी वाटर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आप इस बीच के किनारे बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आप सही तो यहाँ पर बाकी बीच की तरह समुद्र में जाकर नहा भी सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप गोवा घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोवा में आप जा सकते हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के लिए। ये चर्च भी गोवा का काफी बड़ा और खूबसूरत चर्च है जिसे पुर्तगालियों ने एस्टेब्लिश किया था और आज के समय में ये गोवा की काफी शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है और गोवा में आने वाले काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर भी घूमने के लिए जरूर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोवा में आप नाइट के टाइम में कैसीनो को एंजॉय करने के लिए पंजिम के कैसीनो में जा सकते हैं क्योंकि गोवा में आपको कैसीनो सिर्फ पंजिम में ही देखने को मिलेंगे और अलग अलग कैसीनो में अलग अलग प्राइस होते हैं, लेकिन नॉर्मल कैसीनो की प्राइस वन नाइट के लिए 2000 से 3000 से स्टार्टिंग हो जाती है जिसमें आपका खाना पीना और ड्रिंक के साथ में नाइट शो भी फ्री होता है। बाकी अगर आप कैसीनो में गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो उसे भी खेल सकते हैं। बाकी अलग अलग कैसीनो में अलग अलग प्राइस होती है, आपका जैसा भी बजट है उसके हिसाब से आप पंजिम के कैसीनो को एंजॉय जरूर करें। और अगर आप गोवा आते हैं और कैसीनो को एंजॉय नहीं करते तो आपकी गोवा की ट्रिप अधूरी रहेगी, तो आप गोवा में कैसीनो को एंजॉय करना बिल्कुल मिस नहीं करें। बाकी दोस्तों गोवा में आप गोवा की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए गोवा के किसी भी बीच पर नाइट के टाइम में जा सकते हैं और नाइट के टाइम में लगभग सभी बीच पर काफी शानदार लाइटिंग वगैरह की जाती है और डीजे वगैरह बजता है, तो वहां पर आप फ्री में डांस कर सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं। बाकी गोवा में कई सारे क्लब वगैरह बने हुए, आप उसमें एंट्री टिकट लेकर जा सकते हैं और नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोवा में आप घूमने जा सकते हैं दूध सागर वाटरफॉल के लिए। दोस्तों ये प्लेस भी गोवा की काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन दूध सागर वाटरफॉल पर घूमने जाने के लिए आपके पास में पूरा एक दिन होना चाहिए। तो अगर आप दूध सागर वाटरफॉल घूमना चाहते हैं तो आप अपने पास में एक दिन एक्स्ट्रा लेकर चले। बाकी दोस्तों दूध सागर वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत और शानदार वाटरफॉल है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको गोवा का टूर प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको जितने भी टूरिस्ट प्लेस बताई है ये सभी नॉर्थ गोवा की टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों का टूर करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो हमने बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप नॉर्थ गोवा घूमना चाहते हैं तो नॉर्थ गोवा घूमने के लिए आपके पास में 3 दिन होने चाहिए और गोवा में आने वाले लगभग 70-80% टूरिस्ट नॉर्थ गोवा का टूर करना ही पसंद करते हैं। तो नॉर्थ गोवा का टूर करने के लिए आपके पास में 3 दिन होने चाहिए। 3 दिन में हमने आपको जितनी भी टूरिस्ट प्लेस बताई है आप उन्हें विजिट कर सकते हैं, लेकिन दूध सागर वाटरफॉल विजिट करना चाहते हैं तो आपको ये टूर प्लान 4 दिन का बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि गोवा जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों वैसे तो आप साल भर गोवा घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन गोवा जाने का बेस्ट टाइम विंटर का माना जाता है क्योंकि इस टाइम में गर्मी कम होती है। लेकिन दोस्तों गोवा में ज्यादातर टूरिस्ट गर्मियों के मौसम में जाते हैं क्योंकि इस टाइम में वैकेशन भी होता है और गर्मियों के मौसम में भले ही गर्मी होती है लेकिन गोवा अपने बीच के लिए फेमस है, तो आप गोवा में गर्मियों के मौसम में बीच पर जाकर नहा सकते हैं और खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो आप साल में कभी भी गोवा घूमने के लिए जा सकते हैं, टूरिस्ट की भीड़ साल भर गोवा में लगी रहती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप गोवा में घूमेंगे कैसे, यानी कि आप गोवा में घूमने के लिए कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप गोवा अकेले या फिर 2 लोग साथ में जा रहे हैं तो आप गोवा में घूमने के लिए स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं जो आपको एक दिन के लिए 500 रुपए के आसपास में मिलेगी और स्कूटी आपको पंजिम में बड़ी आसानी से रेंट पर मिल जाएगी। बाकी अगर आप ज्यादा लोग या फिर फैमिली के साथ में गोवा जा रहे हैं तो आप गोवा में घूमने के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं जो आपको एक दिन के लिए 2000 रुपए के आसपास में मिलेगी। नहीं तो आप गोवा में घूमने के लिए जिप्सी या फिर कार रेंट कर सकते हैं जो आपको एक दिन के लिए 800 से 1000 रुपए में मिलेगी। और बाइक और जिप्सी रेंट करने के लिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना जरूरी है। तो आप जितने लोग जा रहे हैं उसके हिसाब से आप गोवा में घूमने के लिए बाइक, टैक्सी या फिर जिप्सी रेंट पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि गोवा घूमने में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप गोवा 2 लोग साथ में जाते हैं तो आपका 2 लोगों का गोवा में 3 दिन का होटल का खर्चा 3000 रुपए तक हो सकता है। इसके बाद आपका 3 दिन का 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा 4000 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद अगर आप घूमने के लिए स्कूटी रेंट करते हैं तो स्कूटी रेंट का और पेट्रोल का खर्चा आपका 3 दिन का 2000 रुपए तक आ सकता है।
अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका दो लोगों का 3 दिन गोवा घूमने का खर्चा 9,000 रुपए तक आ सकता है, यानी कि पर पर्सन पर लगभग 4,500 रुपए। और हमने इस बजट में आपके एक्टिविटी वगैरह का खर्चा ऐड नहीं किया है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग गोवा टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं जल्दी एक और नए टूर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।